एक्चुअली फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब यहाँ पे आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. मैंने यहाँ के मतलब मेरे बहुत ही खास फ्रेंड हैं आज से, जो मेरा काम भी देखते हैं रेडियंस एंटरटेनमेंट के थ्रू. सो उन्होंने इनवाइट किया कि उनके ऑफिस की ओपनिंग थी, मैं आ नहीं पाई थी उस टाइम पे, मैं बाहर थी, आउटडोर शूट पे बिजी थी. तो जब मैं यहाँ पे आना हुआ, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खुला खुला है. मतलब हम तो वहाँ पे रहते हैं सिटी के अंदर लोकुंडवाला अगेली बेस्ट में, तो मैं जब यहाँ पे ना, यहाँ की सीनरी, यहाँ की ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद आई. जी 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 अभी एक्चुअली जो मार्केट में ट्रेंड भी चल रहा है पोस्ट लॉकडाउन से, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गाना, एल्बम सॉन्ग्स. तो मैंने भी इस सिलसिले में काफी सारे एल्बम सॉन्ग किए. मैंने इनफैक्ट रेडियंस एंटरटेनमेंट का एक सॉन्ग किया है गुनाह करते, उससे मेरे पहला, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एंड दैट वाज रियली अ बिग हिट विद उमर रियाज. उसके बाद मैंने जटमला सॉन्ग किया, उसके बाद काफी सारे सॉन्ग्स किए हैं. तो यस, टच वुड एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक जितने भी सॉन्ग्स किए सारे अच्छे गए. मैंने बिग बॉस के बाद टीवी शो किया था, माइथोलॉजिकल शो किया था, फिर एल्बम सॉन्ग किया है और ऑफर्स तो काफी सारे आ रहे हैं. लेकिन क्या है ना, मैं बहुत चूजी हूँ, मुझे ऐसे काम करना है जो काफी फैमिली ओरिएंटेड काम हो, जो मेरी सारी फैमिली बैठ के आराम से देख सके. तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे जिसमें काफी बोल्ड कंटेंट था, तो मैंने उनको उन सारी चीजों को मना किया. तो यस, आप मुझे देख सकते हैं अच्छे कंटेंट में, बीट सिनेमा और वेब सीरीज या टीवी पे. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जस्ट ऐसा नहीं, मतलब ऐसा हो जिसमें या तो फिर सीन की डिमांड हो और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिससे जो चैलेंजिंग हो मेरे लिए, तो मैं डेफिनेटली करूंगी. इनफैक्ट बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, मैं उनको रिव्यू कर रही होगी, पाइपलाइन में है. इनफैक्ट रेडियंस एंटरटेनमेंट के साथ और भी प्रोजेक्ट लाइंड अप है, बहुत सारे सॉन्ग्स आने हैं. आसिफ जी है, वो खुद सॉन्ग्स लिखते हैं, तो वेब सीरीज की बात चल रही है, तो काफी सारे है. अभी नए साल के अंदर आप मुझे, आप लोग देखेंगे. So basically, of course, no, it's going to be a family-oriented concept only. और बाकी डिटेल्स मैं जब बताऊंगी, जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, उससे पहले मैं, I'm sorry, I can't disclose it. जैसे ही सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी तब मैं आपको बता पाऊंगी. तो जब मैं जिनके बारे में बात कर रही थी आसिफ, मैं इनको करीब 4 साल से जानती हूँ और आज इनफैक्ट मैं आई थी इन्हीं की वजह से ऑफिस में. मुझे पहले भी आना था लेकिन नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं आई हूँ, ऑफिस में आई हूँ. इनफैक्ट मैं इनसे, इनके फैमिली से मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. जी, अभी हमारे न्यू ऑफिस इनोग्रेशन हुआ है काफी, मतलब 2-4 महीने पहले, और उस मौके पर वो नहीं आ पाई थी ऑफिस ड्यू टू सम रीजंस. तो आज ऑफिस पे आई हमारे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मुमरा शहर भी इन्होंने देखा और मुमरा के बारे में भी जाना काफी, और उनको अच्छा लगा काफी मुमरा शहर हमारा. और आगे भी हमारा जो रेडियंस ग्रुप है वो कैसा है कि इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, वी आर इनटू इंजीनियरिंग एंड एंटरटेनमेंट बहुत. तो अभी एंटरटेनमेंट के सेक्टर से आज आई है, तो इंशाल्लाह अभी आगे इनके हमने और प्रोजेक्ट हमने किए प्रीवियसली और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं साथ में, तो मुमरा में एंटरटेनमेंट को लेकर इंशाल्लाह आगे चलिए. जी, मुमरा शहर में बहुत कंटेंट है. जी जी डेफिनेटली, जैसे हमारा शहर स्पोर्ट्स की तरफ भी है और कहीं ना कहीं हमारा शहर नशे की तरफ, जुर्म की तरफ भी है, बट हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी बच्चे हैं, यूथ हैं, वो एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तरफ ही रहे. इनको इनकरेज करना, टैलेंट को इनकरेज करना, और हमारी रेडियंस एंटरटेनमेंट जो हमारी कंपनी है वो भी न्यू टैलेंट को काफ़ी इनकरेज करती है. तो हम बिग बॉस के आर्टिस्ट हैं, रियलिटी शोज के आर्टिस्ट हैं, हम उनको मैनेज भी करते हैं और न्यू टैलेंट्स को भी हम चांस देते हैं.
इनफैक्ट अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमें बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम आना हुआ है, तो हम लोग भी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कितना पसंद आया हमको. तो हमने सोचा है कि मैंने भी सोचा है कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और एक्सप्लोर करूंगी और देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और किस तरह से यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा. तो ये सारी प्लानिंग चल रही है अभी भी. तो दिस इज माई फर्स्ट विजिट, तो मैंने प्लान किया है कि मैं बहुत जल्द दोबारा आएंगे और हम लोग कुछ अच्छा कॉन्क्रीट प्लान करते हैं फॉर द सिटी. मेरी आवाज तो बहुत खराब हो रखी है अभी भी, तो आज से बहुत अच्छा गाते हैं. चलिए मैं गाती हूँ. हम लोग अपने सॉन्ग का गाते हैं ना, हमारा जो सॉन्ग हाँ जो रेडियंस ने बनाया है, रेडियंस ग्रुप ने बनाया है, वो बना दे. हाँ चलो बोलो एक लाइन आप बताओ. कर दे जुदा कर दे खुद के लिए एक गुनाह कर दे. ये सॉन्ग हमारी प्रोडक्शन का बनाया है.